गुड मॉर्निंग गाइज, आई एम वीरेंद्र एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन टू व्हील्स। तो आज मैं निकल रहा हूँ राइड के लिए, सोलो राइड ही है और नियर बाय मैं लोनावला के प्लेस करने वाला हूँ और एक महाड़ का गणपति है जो 8 अष्टविनायक है उसमें से आता है, तो पहले वो करने वाला हूँ गणपति, उसके बाद में आगे जाने वाला हूँ। देखते कितने प्लेस होते हैं क्योंकि सुबह का मौसम अच्छा है, ठंडा थोड़ा, तो जल्दी निकलने का प्लान था, थोड़ा डिले हो चुका है। तो वैसे भी 4 बजे निकलने का प्लान था, 4:30 बजे मैं निकला हूँ। तो बस 24 किलोमीटर यहाँ से डन है और मेरे लोकेशन से जो गणपति का मंदिर है वो 68 किलोमीटर था। को चांद दिखाता हूँ, सामने देखो यहाँ से मस्त दिख रहा है, अभी कैमरा में मालूम नहीं दिख रहा है कि नहीं, पर आधा चांद है, क्या मस्त दिख रहा है यहाँ से। बस यहाँ से अभी लेफ़्ट मार के जाना है, सीधा जाओगे तो एक्सप्रेस हाईवे पे बाइक अलाउड नहीं है, तो अभी लेफ़्ट मार के ब्रिज के नीचे से राइट मार के फिर JNPT के लिए जाना है। वाह, सीधा JNPT और लेफ़्ट मार के पनवेल में, अभी JNPT से सीधा ही जाना है। December 2021 में मैंने सोलो राइड की थी, मैं गया था औरंगाबाद, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा वो सीरीज का, आप जाके देख सकते हो। तो तभी गया था, उसके बाद में 2021 में ऐसा कोई प्लान नहीं बना सोलो राइड करने का, तो बस अभी ऐसा लग रहा था कि सोलो राइड करके आ जाओ, शॉर्ट टू शॉर्ट पर करके आ जाओ, तो बस निकला हूँ। तो बस अभी रुका था यहाँ पे चाय पीने के लिए, हम जब भी भीमा शंकर गए थे तभी भी यहाँ पे ही रुके थे, तो अभी निकल रहा हूँ यहाँ से कुछ 30 मिनट दिख रहा है जाने के लिए, और ठंड भी बढ़ गई अभी, तो ग्लव्स भी पहनना था, तो बस अभी निकलता हूँ। यहाँ से लेफ्ट मार के तो करजत में जा सकते हैं, करजत सिटी माथेरान, वो साइड में जाने के लिए यहाँ से लेफ्ट मारना पड़ता है। मेरे को ये वाला राइट लेके अंदर जाना है, राइट के लिए रास्ता हाँ इधर से है, अभी ऐसा गांव-गांव से रास्ता रहेगा। तो बस यहाँ पे बाइक पार्क की है, यहाँ से मैं आया और अभी यहाँ से चल के अंदर जाना है। ये सब शॉप रहेगा पर अभी सब बंद है, बहुत जल्दी आ गए हूँ मैं। ये सामने शायद मंदिर है और वो साइड में पीछे की तरफ तालाब है, दिखा तो आपको वो भी, एक ऐसा एक लेक है और ये साइड में मंदिर है, मंदिर में वीडियो और फोटो अलाउड नहीं है इसलिए कुछ शूट नहीं किया, और ये जो 8 अष्टविनायक गणपति जी का मंदिर है इसकी पूरे किधर कौन सा किधर कौन से लोग सब है वो सब दिखा है। बस अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, ये वाला रास्ता मंदिर की तरफ जाने वाला था, और अभी मैं फिर से बाहर जाके ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पे कनेक्ट हो जाऊँगा। ऐसे पीछे से भी जाने के लिए रास्ता है पर जो रास्ते से मैं आया था वही रास्ते से मैं बाहर निकल के कनेक्ट होता हूँ। अभी देखो थोड़ा बहुत फॉग दिख रहा है और सनराइज़ मेरे को लोनावला में देखने वाला था टाइगर पॉइंट पे, पर जाने दो, अभी सनराइज़ पूरा तो हो चुका है, देखते हैं। अभी सामने का व्यू देखो क्या मस्त दिख रहा है, और भी जैसे मैं ये पहाड़ के ऊपर जाऊँगा और भी अच्छा दिखेगा। अभी जो हम मंदिर में गए थे वो अष्टविनायक में 4th नंबर पे आता है, ये मूर्ति जो तालाब है वहाँ पे ही मिली थी और
उसके बाद में कुछ साल के बाद में वो मंदिर उधर स्थापना की गई थी। और बस यहाँ से अभी घाट सेक्शन चालू हो रहा है, इसमें बाइक चलाने के लिए भी मज़ा आता है। सिर्फ सामने से जो गाड़ी आ रही है उसके ऊपर ध्यान रखो और फिर गाड़ी चलाओ। बस यहाँ पे रुका था, पूरा खोपली का व्यू दिखता है और बीच बीच में देख सकते हो आप फॉग फॉग जैसा दिख रहा है। यहाँ से ही मेरे को राइट मार के अंदर जाना है। अभी आया था मैं टाइगर पॉइंट पे, वहाँ से ऐसा कुछ नज़र है। अभी यहाँ से निकलता हूँ और जाता हूँ पावना लेक के इधर, उधर भी एक मंदिर है जो पानी के अंदर है। तो अभी क्या पता उधर पानी रहेगा तो अंदर जा नहीं सकता, पानी नहीं रहेगा तो अंदर जा सकता हूँ। देखते अभी आगे, उसके पहले नाश्ता करना है। और रास्ता देखो कितना अच्छा है, पूरा झाड़ी झाड़ी है। ये रास्ते पे मैं जब भी देवकुंड गया था तभी आया था, तभी यहाँ पे पूरा फॉग था। तो ऐसा कुछ रास्ता है जाने के लिए पावना लेक के लिए, जरा घना जंगल है और इसमें से रास्ता है। बीच बीच में थोड़े गंदे पैच आ रहे हैं, जैसे अभी रे यार इसको भी नहीं देखा, ये वाला पैच। एक दादा मिला था, वो बोला यहीं से नीचे जाना है आगे आगे, पर वो अभी पानी में रहेगा। देखता हूँ यहाँ से नीचे जाके मिल जाना चाहिए। हाँ इधर ही गाड़ी फंसी थी मेरी। इधर एक मिला था, वो बोला कि ये साइड में नहीं है, पर अभी वो दादा बोला था वो तो लोकल ही दिख रहा था, तो वो बोला इधर से ही है, डायरेक्ट पानी के इधर जाओ तभी थोड़ा सा दिख जाएगा। ते पानी मधे मंदिर है ते कुठे? हाँ ठीक है, पण दिसेल का ते इथून? मग तिथूनच खाली जाऊ का? आता तुम्ही मला थांबवलं तिथं ना, ठीक आहे चालेल। जास्त पुढे आहे का? जास्त पुढे ठीक आहे। अभी वो बोल रहे कि जहाँ से तू खड़ा था वहाँ से ही अंदर जा, अंदर जा, उसके बाद में कच्चा रास्ता मिले, कच्चा रास्ता, ये तो ये भी कच्चा ही रास्ता है, थोड़ा स्लश मिलेगा। अभी देखते कितना स्लश है, गाड़ी निकाल सकता है उतना स्लश रहेगा तो ठीक है। अभी यहाँ से रास्ता है क्या भाई? लग भी नहीं रहा है। देखता हूँ चल जो होगा वो। ये इधर से जाने के लिए मंदिर तो दिख तो नहीं रहा है, गाड़ी नहीं फंसनी चाहिए, बाकी कुछ भी होंगे नहीं तो किसी को बुलाना पड़ेगा। इधर गाड़ी फंसी तो भाई बेकार वाला ऑफ रोड ही हो रहा है इधर। एक काम करता हूँ, जिधर से स्लश नहीं है वहाँ से जाता हूँ। इधर सब जगह पे तो स्लश ही है। एक गाड़ी जाओ क्या? वो लड़का फिर मारेगा धक्का थोड़ा और क्या। गाड़ी तो दिख रही है,
बाइक वहाँ पे पार्क है और ऐसा कुछ पावना लेक का व्यू है और वो साइड में जाना है। अभी देखो ये वाला जो मंदिर है उसके अंदर शिवलिंग है और यहाँ से ऐसे चल के जा सकते हैं वहाँ तक, पर अभी पानी भरा है इसलिए वो मंदिर पानी में रहता है। पर समर के टाइम में ये मंदिर तक जा सकते, वहाँ से भी एक चल के रास्ता है, वहाँ से जा सकते हैं। कीचड़ रहता है थोड़ा बहुत और ये पावना लेक और डैम का व्यू है। बस अभी यहाँ से भी निकल रहा हूँ, थोड़ा बच के ही जाना पड़ेगा। गिरना मत, ऐसा कुछ ना। ओ शिट, निकल गया पूरा पानी उड़ा है। पर बस यहाँ से कोई डर नहीं है। अभी आपको गाड़ी दिखाता हूँ कैसी हुई रहेगी। गाड़ी देख लो, पूरा कीचड़ कीचड़ हो चुके हैं। ये जो आपको फोर्ट दिख रहा है ये तिकोना फोर्ट, अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, पर यहाँ से देखो ये वाला रास्ता मस्त है और यहाँ से अभी सामने का व्यू देखो, इसे देखो कितना मस्त दिख रहा है पावना लेक। और यहाँ पे आगे डैम है, हवा बहुत तेज है, सब मिट्टी छोटे छोटे पत्थर उड़ा दिया। ओ भाई क्या रास्ता है, गाड़ी हिल रही है पूरी, इतना तेज हवा है, ड्रोन क्या फ्लाई होगा। अच्छा हुआ मैं ये रास्ते से आया, अभी कुछ नया देखने के लिए मिला। नाश्ता करने के लिए बैठा हूँ अभी, मैगी और चाय, अभी चाय आ रही है। यहाँ पे ड्रोन है, ड्रोन फ्लाई किया था अभी, गोप्रो वहाँ पे चार्ज हो रहा है इससे। अभी खाता हूँ और मिलता हूँ।
नाश्ता हो चुका है, अभी पौने 12 बज रहे हैं। तो यहाँ से घर जाने के लिए 1.5-2 घंटा लगेगा, मतलब 2 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँगा शायद से। पर ये रास्ता ऐसा है, नहीं तो पहले मस्त रास्ता था। वो साइड से जब मैं आया तभी बीच बीच वाला ही ख़राब था, पर ये वाला पैच पूरा ख़राब है और आगे भी थोड़ा ख़राब ही है। फ्रेश होके खाना वगैरह खा के मैं सो गया और अभी मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। तो चलो आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट राइड में। नेक्स्ट राइड कहाँ पे होगी वो मेरे को भी नहीं पता, तो मिलते हैं नेक्स्ट राइड में। बाय, टेक केयर, राइड सेफ।